नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। स्काउट भवन में मनाया गया चिंतन दिवस। स्काउट का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा करना। स्काउटिंग की मूल भावना निस्वार्थ सेवा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा ही स्काउट और गाइड का परम भाव होता है। यही नहीं, बेजुबान पशु पक्षियों पर दया और प्रकृति संरक्षण भी स्काउटिंग को विशिष्ट बनाती है। वर्ष भर की गतिविधियों पर सार्थक विचार करने तथा स्काउटिंग को और बेहतर बनाने के लिए चिंतन दिवस मनाया जाता है। यह बातें वक्ताओं ने आज स्काउट भवन में आयोजित चिंतन दिवस के अवसर पर बताई। 22 फरवरी को स्काउटिंग के जनक लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पॉवेल का जन्म दिवस चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मुख्यायुक्त आरसी शर्मा और जिला आयुक्त गिरीश मिश्र के साथ संयुक्त सचिव शारदा शुक्ला, सहायक सचिव एस एन शर्मा ने लॉर्ड बेडन पॉवेल, लेडी ओलिव बेडन पॉवेल की फोटो पर माल्यार्पण करके किया। संचालन जिला संगठन आयुक्त त्रिवेंद्र कुमार और आभार प्रदर्शन सहायक आयुक्त सर्वेश तिवारी ने किया। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की गाइड कैप्टन डॉक्टर संतोष अरोड़ा को ALT प्रमाण पत्र जिला मुख्यायुक्त और जिला आयुक्त ने प्रदान किया। विभिन्न विद्यालयों से आए स्काउट्स और गाइड्स बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर नीता त्रिपाठी, सर्वेश तिवारी, त्रिवेंद्र कुमार, संतोष अरोड़ा, लालजी यादव, SS द्विवेदी, अशोक सिंह, शिव प्रसाद अवस्थी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। कानपुर से संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।